नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और हमारी सीएलसी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे इसी के साथ साथ इसी श्रृंखला में अगले कदम की ओर मैं संतोष पांडे सी एल सी सीकर से सीनियर जोलॉजी फैकल्टी के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ इवोल्यूशन से रिलेटेड 2013 से 2019 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करवाने के लिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या और कहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इवोल्यूशन के फील्ड में सवाल उठता है सबसे पहला सवाल ये हम देखेंगे कि अगर इवोल्यूशन बहुत ब्रीफ तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि अभी समय कम हो गया है तो ब्रीफ तरीके से कहाँ आपको अधिक फोकस करना है तो मैं तीन चार बातें कहूँगा आपसे अगर एक हॉटेस्ट टॉपिक की ओर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बात करूं तो एक तो हो जाता है ध्यान दें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरे नंबर पर आप ध्यान देंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसी के साथ साथ हम बात करेंगे दो और चीजें होमोलोगस ऑर्गन्स होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स ये बात आ जाएगी ये तीन चीजें हैं एक तो देखिए होमोलोगस और दूसरा एनालॉगस यहां की बात करेंगे और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये तो हुई बात कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इसके अलावा आप दो तीन चीजें और फोकस करेंगे एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से जो मॉडर्न थ्योरी है उस पर आप फोकस करेंगे मॉडर्न थ्योरी का अर्थ यह है कि जो ए आई के द्वारा प्रोवाइड की गई थ्योरी है उस पर फोकस करेंगे और थियोरीज में आपका अधिक फोकस होना चाहिए कि कौन कौन सी थियोरी किसने प्रोवाइड किया है और डार्विन्स थियरी को थोड़ा डिटेल में और मॉडर्न थियोरी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर आप बात करेंगे जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट है जैसे हार्डी हार्डिविनबर्गस लॉ से रिलेटेड बातें हैं और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि रिलेटेड जैसे साल्टेशन है म्यूटेशन है और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ और चीज़ें फाउंडर्स इफेक्ट हार्डी विनबर्ग लॉ ये सब बातें आप थोड़ा सा फोकस करेंगे बस इन चीजों पर फोकस रखते हुए ही पूरा इवोल्यूशन घूमता है नीट में दो तीन बातें और देखिए कि नीट में 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 एक साल में, में हर साल इवोल्यूशन हर कितने क्वेश्चन आते हैं तो जनरली थ्री क्वेश्चन आते हैं और बाई चांस कभी कभी किसी ईयर में दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं लेकिन किसी ईयर में फोर टू फाइव क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे इन जनरल थ्री क्वेश्चन रेयरली टू क्वेश्चन या फोर क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे अभी रिसेंटली 2019 में फोर क्वेश्चन आ गए थे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इन चीज़ों को आइए इसी श्रृंखला में इन टॉपिक्स की बात करेंगे ध्यान में रखेंगे इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आ, हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड घूमते हैं इवोल्यूशन में तो ठीक है शुरू करते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है तो यहां पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक ड्यू टू कॉम्पिटिशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ड्यू टू रिड्यूज फीडिंग एफिसियंसी इन वन स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफियरिंग स्पीसीज ध्यान दीजिएगा और तीसरा क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंपटीशन एंड फोर्थ क्वेश्चन इज द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन वो होता है जो एक ही के के मेंबर्स बीच होता है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वो होता है जो अलग अलग स्पेसीज के मेंबर्स के बीच होता है तो जैसा कि आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा और इवोल्यूशन में भी हम लोग पढ़ाते हैं तो इकोलॉजी में एक्चुअली एक लाइन दी हुई है वहां पर और उसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज मोस्ट पोटेंट इवोल्यूशनरी फोर्स जी हाँ उसी लाइन की बेसिस पर उसी लाइन को कोरिलेट करते हुए हम लोग एवोल्यूशन में भी इस चीज़ को बता देते हैं उसी से कोरिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है और जैसे ही मेरी ये लाइन मैंने आपको बताया तो इस लाइन की बेसिस पर बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा According to Darwin, organic evolution is due to तो जवाब हो जाएगा क्या इंटर स्पेसिफिक competition या अंतर species प्रतिस्पर्धा या इसे कहते हैं अंतर जाती प्रतिस्पर्धा या अंतर जाती संघर्ष तो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये four और इसी के साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडाप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द प्रोसेस बाई विच जम्स विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन ऑर्गेनिजम की ऑर्गेनिजम्स का जो उनकी इंडस्ट्री है पूर्वजता है, है तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अब इवॉल्व सिमिलर फीनोटिपिकेशन फीनोटिपिकेशन मीन बॉडी में जो एक्सटर्नल है वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस अब बात करेंगे यहां पर ना तो सिंपली आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या इंडिकेट क्या कर रहा है कह रहा है कि एक तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक तो इस तरह की स्पीसीज है इस तरह की मेंबर्स वाली स्पीसीज है दूसरा आप देखेंगे इस तरह के मेंबर्स वाली स्पीसीज है तीसरा आप देखेंगे इस तरह की मेम्बर्स वाली स्पेशज है ये थ्री टाइप की स्पेशज है अब यहाँ से हर स्पेशीज से कुछ इंडिविजुअल्स ध्यान दीजिए अगर हम बात करेंगे कि इनमें सिमिलर एडाप्टेशन डेवलप कर जाते हैं मान लीजिए फ्लाइंग के लिए एडाप्टेशन डेवलप कर जाते हैं तो सिमिलर एडाप्टेशन का डेवलप करने का मतलब ये कि ये स्पेशीज आप ध्यान दीजिए और यहाँ से आ गया तो सिमिलर टाइप का एडाप्टन डेवलप करने की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं कि हर स्पेश में मान लीजिए फ्लाइंग का कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रहा है तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा तो देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप की अलग अलग हैबिटेट हैबिटेट से सेम हैबिटेट की ओर आ रही है और सेम हैबिटेट में आने पर उनको क्या मिल रहे हैं दे आर फेसिंग द कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस वो कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज को फेस करेंगे समान रिक्वायरमेंट उनको चाहिए जीने के लिए रहने के लिए सक्सेसफुली सर्वाइव करने के लिए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अगर सिमिलर फिनोटिपिक कैरेक्टर या सिमिलर डेवलप करेगा तो इसे कहेंगे कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इवोल्यूशन क्या कहेंगे इसी को कहा जाता है अभिसारी उद्विकास यहां एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यह कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू जो एडाप्टेशन डेवलप करेगा उस एडाप्टेशन को कहा जाएगा एनालॉगस ऑर्गन क्या कहा जाएगा एनालॉगस ऑर्गन तो इस तरह से आप देखेंगे मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से जो डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर्स वो डेवलप करते हैं कौन एनालॉगस ऑर्गन इस तरह से बात करेंगे यहां अब सिंपली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा तो यहां पर देखिए एडाप्टिव रेडिएशन नेचुरल सिलेक्शन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और आपका जवाब यह हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिशारी विकास अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी श्रृंखला में यहां पर देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ए स्ट्रक्चर इट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ध्यान दीजिएगा अब देखिए एक तो कहा गया कि आई ऑफ कैट और दूसरी तरफ कहा जा रहा है क्या कि आई ऑफ ऑक्टोपस जरा देखिए कि ये सिमिलर इंसस्ट्री वाली स्पीसीज हैं या डिफरेंट इंसट्री वाली स्पेशीज हैं तो जवाब यही आएगा कि दे आर द स्पीसीज हैविंग डिफरेंट इंसेस्ट्री और दूसरे दूसरे इंसेस्ट्री वाली स्पीसीज हैं इनकी पूर्वजता अलग अलग है इसीलिए अब इनमें क्या डेवलप किया हुआ है सिमिलर एडाप्टेशन देखने के लिए आई के रूप में तो जब डिफरेंट एंस वाली सिमिलर सिरप्टेशन डेवलप कर रही हैं, तो जवाब फिर क्या हो हो गया, जो अभी इसके पहले question में था, जब आप था convergent evolution हो रहा है, और convergent evolution के ये ये दोनों की आई कर रही हैं, इसलिए क्या होंगे analogous organs. तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन्स दैट देखिए बात आ गई ना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही बात यहां पर आ गई तो आप देखेंगे समवृत्त अंग जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं हमेशा जानिए कि जब कन्वर्जेंस होगा तब जो स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे इस में वह एनालॉगस होंगे और जब डाइवर्जेंस होगा तब जो स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे इस विशीज में वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होंगे तो चलिए ठीक है हमें मिल गया है हमारा जवाब यहां पर अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आप देखेंगे हाँ जी फोर लिम्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज इन वॉकिंग फोर लिम्स ऑफ वेल यूज इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट्स यूज इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ देखिए दिया क्या है कैट दिया हुआ है लिजर्ड दिया हुआ है और इसके साथ आप देखेंगे व्हेल दिया हुआ है और यहां पर आप देखेंगे बैट दिया हुआ है जरा देखिए कि इन सब स्पेसीज में कुछ सिमिलरिटी है क्या आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस दीज ऑल आर द वर्टिब्रेट्स ये सभी वर्टिब्रेट्स हैं और जिन स्ट्रक्चर की बात किया गया है चाहे फोरलिम्ब हो वेल का या लिज़र्ड का हो या आप देखेंगे बैट के फोरलिम्ब हो ये सब फोरलिम्ब की फोरलिम्ब इनके फोरलिम्ब है और फोरलिम्ब के मॉडिफिकेशन से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये डेवलप हुए हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ओरिजिन इनकी क्या है पेक्टोरल गर्डल से फोरलिम के रूप में ओरिजिनेट हुए हैं एनाटॉमी में देखेंगे सिमिलर बोन पैटर्न है ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स फैलेंजेज ये ये सारे के सारे हैं और यहां पर आप देख पाएंगे कि इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या होगा एनाटॉमी सेम है ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन देखिए कहा गया है अलग अलग है तो इस सिचुएशन में क्या होगा तो आप कहेंगे यस इस सिचुएशन में हो जाएगा ये ध्यान दें होमोलॉगस ऑर्गन सवाल उठता है कि होमोलॉगस ऑर्गन है लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन क्यों नहीं क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बातें होती हैं तो एक्चुअल में एडाप्टिव रेडिएशन वह प्रोसेस है वह एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके द्वारा इन होमोलॉगस ऑर्गन का इवोल्यूशन होता है तो पूछा है कि इनके और ये ऑर्गन ये क्या है ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो कह दिया आपने होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं लेकिन अगर ये पूछता कि ये किस प्रोसेस के थ्रू डेवलप होते हैं तब आपका जवाब क्या हो जाता तब आपका जवाब हो जाता एडाप्टिव रेडिएशन ठीक है तो इस तरह से आप देख पाएंगे यहां पर जवाब थर्ड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगले क्वेश्चन में आएंगे च वन ऑफ द फॉलोइंग और एनालॉगस स्ट्रक्चर ध्यान दें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनॉलॉगस स्ट्रक्चर अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि एनॉलॉगस स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर तो यहां पर हम सिंपली बात करेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर तो इसमें दो तीन चीजों पर आप ध्यान देंगे कि डेवलप इन स्पीसीज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इंसेस्ट्री अलग अलग इंसेस्ट्री की स्पीसीज में डेवलप करती है और दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे इनऑलॉगस स्ट्रक्चर में यह क्या होगा ध्यान दें डिफरेंट इन ओरिजिन एंड एनाटॉमी ये हो जाएगा और तीसरी कंडीशन यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा डेवलप ड्यू टू डेवलप ड्यू टू किस कारण से डेवलप कर रहे हैं ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इतना टाइम देकर के आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया तो इनअलॉगर स्ट्रक्चर डेवलप इन स्पीसीज हैविंग डिफरेंट इंसस्ट्री डिफरेंट इन ओरिजिन एंड एनाटॉमी एंड डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये कंडीशन पाई जाएगी अब यहां पर आप देख पाएंगे क्या कंडीशन होगी इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर देखेंगे कि कौन सा एनॉलॉज स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ पीजन देखिए दोनों क्या है वर्टिब्रेट है और दोनों में फोरलिम्ब के मॉडिफिकेशन से डेवलप हुआ है इसलिए एनोलॉगस स्ट्रक्चर यह नहीं होगा क्या होगा होमोलॉगस स्ट्रक्चर गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन जी हाँ देखिए एक तो प्रॉन है प्रॉन है मीन इनवर्टिब्रेट है आर्थ्रोपोड है इनवर्टिब्रेट है और दूसरा ह्यूमन है वर्टिब्रेट है या मैमल है अब दोनों की इंसेस्ट्री बिल्कुल ही अलग है दोनों की इंसेस्ट्री अलग है लेकिन जिन स्ट्रक्चर का नाम लिया गया है इनका फंक्शन क्या है तो फंक्शन सेम है क्या फंक्शन है रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग में हेल्प करना तो इन ऑर्गन्स की गिल्स की और लंग्स की ओरिजिन भी क्या है डिफरेंट है और एनाटॉमी भी डिफरेंट है हिस्टोलॉजी डिफरेंट है और एंसेस्ट्री बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये क्यों सिमिलर फंक्शन वाले स्ट्रक्चर डेवलप हुए ड्यू टू द किस लिए ड्यू टू सिमिलरिटी इन रिक्वायरमेंट और इस कंडीशन के कारण से आप देखेंगे ये हो जाएंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर और इसी तरह से थॉर्न्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स तो यहां पर आप देखेंगे फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन और लेग्स ऑफ हॉर्स को भी आप एनालॉगस नहीं कह सकते क्यों क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम नहीं है एक चीज याद रखें जब भी एनालॉगस ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें फंक्शन निश्चित रूप से सेम होना जरूरी है ठीक है ना फंक्शन सिमिलर हो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा ओके okay, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया जस्ट वही क्वेश्चन आ गया एक बर्ड का विंग और एक इंसेक्ट का विंग

तो ओरिजिन और एनाटॉमी डिफरेंट है डिफरेंट है, है? है है, जबकि फंक्शन 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 क्या सेम सेम और तो फिर क्या हो जाएगा आप नहीं क्योंकि जब भी एनॉलॉगस स्ट्रक्चर होगा तो कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है आगे देखेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये तो सही है बट ये वाला हिस्सा सही नहीं होगा फिर होमोलॉगस स्ट्रक्चर ये गलत हो जाएगा हम आगे नहीं पढ़ेंगे और आगे स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो आप ध्यान देंगे ये लाइन है जो पूरी तरह से अप्लीकेबल है आपके क्वेश्चन के लिए और यही है आपका टारगेट आंसर तो इस तरह से आप देख पाएंगे जैसे हमने देख लिया कि एनालॉगस स्ट्रक्चर है तो निश्चित रूप से उनका रिलेशन किससे किससे होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव कन्वर्जेंस से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आइए इसी क्रम में तो यहां पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इज एन मेलानिज्मल ऑफ ध्यान दीजिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन के लिए जो आप डारिज्म पढ़ते हुए पढ़ते हैं और इसमें क्या हुआ था कि इसमें मैनचेस्टर का एग्जाम्पल लिया जाता है मैनचेस्टर में एक्चुअली एक इंसेक्ट हुआ करता था वो अभी भी पाया जाता है हालांकि उसका नाम था बिस्टन बेट्यूलैरिया तो बिस्टन बेट्यूलैरिया का एग्जाम्पल लिया जाता है इसमें और उसमें बताया जाता है कि जब एटीन के टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस समय सभी इंसेक्ट कैसे हुआ करते थे व्हाइट कलर के और सिर्फ 10 परसेंट के आसपास उनमें ब्लैक कलर के इंसेक्ट हुआ करते थे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी इंसेक्ट ट्री स्टेम के ऊपर बैठा करते थे और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन लगभग न के बराबर था इसीलिए ट्रीज़ के स्टेम पर अच्छे से ग्रोथ होती थी लाइकेंस की और वाइटिस लाइकेंस के साथ जब ये इंसेक्ट बैठते थे तो आराम से कैमोफ्लेज शो करते हुए अपने आप को बचा ले जाते थे प्रीडेटरी बर्ड्स से लेकिन जो ब्लैक इंसेक्ट होते थे वह वाइट बैकग्राउंड पर बैठने पर बर्ड्स के थ्रू देख लिए जाते थे और वो तेजी से डिस्ट्रॉय कर लिए जाते थे इसी कारण से आप ध्यान दें उस समय बेटर सर्वाइवल हो रहा था किसका व्हाइट इंसेक्ट का और उस व्हाइट इंसेक्ट को कहा जाता है बिस्टन बेट्यूलेरिया टिपिका और इसके साथ साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पर 1920s के टाइम स्टडी की गई तो देखा गया में दोनों तरह के इंसेक्ट का जो प्रोपोर्शन था वो रिवर्स हो गया व्हाइट इंसेक्ट परसेंट तक रिड्यूस हो गए एंड ब्लैक इंसेक्ट क्या कर कर गए गए इंक्रीज का तो आप कहेंगे सर नेचुरल सिलेक्शन क्या नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पॉपुलेशन में कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट के में अधिक अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं अधिक संख्या में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और अपने जैसे अधिक इंडिविजुअल को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर पाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन तो यहां पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ था किसका बिस्टन बेटुलरिया कार्बोनेरिया का जो ब्लैक इंसेक्ट था तो आप ध्यान देंगे यहां पर ये इंडस्ट्रियल मेलेम के कारण हुआ क्यों क्योंकि बाद में हुआ था ये कि इंडस्ट्रीज से निकले गए निकले स्मोक पार्टिकल जाकर के ट्री स्टेम के ऊपर सेटल करने लगे जिससे उनका कलर ब्रैकिस हो गया और एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने के कारण वहाँ पर लाइकेन की पॉपुलेशन भी लाइकेन की ग्रोथ कम हो गई इसीलिए ट्री स्टेम ब्लैकिस कलर करने टर्न करने लगे और उस ब्लैक कलर पर ब्लैक इंसेक्ट कैमू फ्लेज कर पाए और वह बेटर सर्वाइव करके अगली जनरेशन में अपना नंबर इंक्रीज कर पाए तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहां पर हो जाएगा क्या ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल होगा अब यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता था अगर ये पूछ लेता कि इंसेक्ट की इस पॉपुलेशन में फर्स्ट टाइम ब्लैक इंसेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ फर्स्ट टाइम ब्लैक इंसेक्ट क्यों अपेयर हो पाया तो इस चीज का जवाब हो जाएगा क्या जीन म्यूटेशन इस चीज का क्या जवाब हो जाएगा म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं एक बार फिर से आपके सामने है ये द फॉलोइंग हैड द स्मालेस्ट ब्रेन कैपेसिटी जी हां यहां पर ह्यूमन के डिफरेंट एंसेस्टर और ह्यूमन के डिफरेंट एंसेस्टर और ह्यूमन की भी बात की गई है तो इन एंसेस्टर में अगर हम बात करें तो सिंपली आप देखेंगे होमोहैबलिस के लिए इसके लिए होता है 650 फिफ्टी टू एट हंड्रेड और इसके साथ साथ आप देखेंगे होमो इरेक्टस के लिए ये हो जाएगा 900 हंड्रेड और इसके साथ साथ आप देख पाएंगे होमोनियंडसिस का ये हो जाता है 1300 हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड विद एन एवरेज साइज ऑफ 1400 इतना और इसके बाद में आप देखेंगे होमोसेपियंस का हो जाता है 1350 से लेकर के 1400 सीसी तक जी हाँ इस डेटा को और इस डेटा को जब आप कंपेयर करते हैं तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है क्या एक चीज क्लियर हो जाती है कि आज का जो हम लोग हैं होमोसेपियंस हमारी क्रेनियल कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में मैन की क्रेनियल कैपेसिटी एनसीआर टी में फोर्टीन दी गई है बट इसका एवरेज इसका रेंज यहां तक होता था तो ये थोड़ा सा अधिक होती थी तो इस चीज को याद रखेंगे आगे आपके लिए क्वेश्चन में काम आएगा तो यहां पर सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी किसकी है आप कह सकते हैं होमो हैबिलिस की देख रहे हैं ना ये था होमो हैबिलिस तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को और इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हाँ जी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ बर्ड तो विंग ऑफ बर्ड की होमोलॉगस अगर हमें कोई स्ट्रक्चर देखना है तो निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट ऑप्शन होगा वो क्या होगा निश्चित रूप से वो बर्ड बर्ड एक या तो कैटेगरी को होगा फॉलो करेगा या वर्टिब्रेट्स में से कोई होगा इन्हीं दो में से कोई हो पाएगा तो हम बात करेंगे आप देखिए कि विंग ऑफ मॉथ ये वर्टिब्रेट नहीं है छोड़ देंगे हैंडलिम्ब ऑफ रैबिट ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिब्रेट तो है बट हाइंड लिम की बात की गई है जबकि विंग्स क्या है दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स यहां पर आप देखेंगे फ्लिपर ऑफ वेल यस यही हमारा आंसर होगा वेल के जो फ्लिपर होते हैं तैरने के लिए एडाप्टेशन है स्विमिंग एडाप्टेशन के रूप में ये फोर लिम के मॉडिफिकेशन होते हैं तो फोर लिम का मॉडिफिकेशन है और वो वर्टिब्रेट कैटेगरी को भी फॉलो कर रहा है वेल तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा जबकि डॉर्सल फिन ऑफ शार्क ये नहीं होगा क्योंकि ये फोरलम का मॉडिफिकेशन नहीं है ठीक इसी के साथ साथ हम लोग यहां पर देखेंगे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में आपके सामने uh, ये रहा विच आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ अब देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं देखते हैं द अर्एस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपियड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन ए क्लोरोफिलस थी एंड प्रिज्यूमेबली एन एरोब्स यस ये सही है ये नॉन क्लोरोफिलस थी और हेट्रोट्रॉफिक uh, भी थी और एन uh, एरोबिक थे क्योंकि उस समय ऑक्सीजन थी ही नहीं बात करेंगे इसके बाद द फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन जी हाँ फर्स्ट टाइम जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे वह एक्चुअल में कीमोसिंथेटिक नेचर के बैक्टीरिया थे प्रोकैरियोट्स थे और वो कीमोसिंथेटिक फॉर्म ही थे और इसीलिए आप ध्यान देंगे कि ये बात यहां पर सही हो जाएगी और इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया क्यों क्योंकि ऑक्सीजन तब रिलीज हुई थी जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए और उन्होंने वाटर को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया अपनी फोटोसिंथेसिस में तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सामने हैं तो ये क्या है ये भी सही है अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन द अब स्टेटमेंट ऑफ द अब स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट जी हाँ इनमें से करेक्ट कौन है तो देखें बी इज करेक्ट ए इज फॉल्स गलत है ये ए भी सही है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट यस बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ये हमको सही लग रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे इसी के साथ साथ आप देखेंगे बोथ ए एंड बी आर फॉल्स गलत है ए इज करेक्ट बी इज फॉल्स ये भी गलत है तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे सामने जो सही हो जाएगा इसी के साथ साथ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन में यहां पर हम लोग देखें क्या आ जाएगा एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ देखिए स्टार्ट में पहले दूसरे क्वेश्चन में ही पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको हिंट दिया था कि एनोलॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं किससे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से और होमोलॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं किससे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से तो इस तरह से देखिए वही चीज आ गई यहां पर एनोलॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ तो ध्यान दें समृत्ति रचनाएं किसका परिणाम है तो जवाब हो जाएगा यहां पर पहले ही ऑप्शन में आपका टारगेट ऑप्शन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा और या इसी को अभिसारी उद्विकास कहते हैं तो अभिसारी उद्विकास का अर्थ है कि अलग अलग पूर्वजता वाली जातियों का समान आवासीय दशाओं में आकर के समान कार्य करने वाले अनुकूलन को विकसित करना तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को तो चलिए लेते हैं अगले सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन या आनुवंशिक विचलन या अपोहन कहाँ होता है तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि ध्यान दें जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है पहले इसको आप जान लीजिए जब किसी पॉपुलेशन में बाई जब किसी पॉपुलेशन की एलिन फ्रीक्वेंसी में बाईचांस कोई चेंज आ जाता है बाई चांस कोई डेविएशन आ जाता है तब इस चांसफुल डेविएशन को कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट और आप ध्यान दीजिए जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए एक नियम होता है कि हमेशा वहां पर अधिक संभावित होती है जहां पर पॉपुलेशन की साइज छोटी होगी क्यों क्योंकि स्मॉल साइज पॉपुलेशन पर बाय चांस डेविएस के जो चांसेस होते हैं संभावनाएं है होती हैं वो अधिक होती हैं और लार्ज साइज पॉपुलेशन पर बाय चांस डेविएशन की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो अपेक्षाकृत काफी कम होती हैं इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं जैसे अगर हम बात करें सपोज करिए इंडिया में जितनी भी मेल प्रेग्नेंसीज और फीमेल प्रेगनेंसीज कंसीव करती हैं उनमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या होता होगा ये हमेशा वन इज टू वन होता है मैं चाइल्ड बर्थ की बात नहीं कर रहा हूं प्रेग्नेंसीज के कंसीव करने की बात कर रहा हूँ ये वन इज टू वन के रेशियो में क्योंकि हर बार मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी फिफ्टी परसेंट होती है तो वन वन इज टू वन का रेशियो होता है लेकिन जरा सोचिए अगर इसी को हम बहुत छोटे लेवल पर लें एक फैमिली में चार फीमेल्स हैं सपोज करिए है, चार भाई हैं उनकी वाइफ हैं तो चारों फीमेल्स को अगर प्रेग्नेंसी मेंटेन मिं, होती है कंसीव होती है तो क्या जरूरी है कि दो को मेल प्रेग्नेंसी मेल एम्ब्रियो डेवलप करें और दो की बॉडी में फीमेल एम्ब्रियो डेवलप करें ऐसा नहीं क्यों क्योंकि बाय चांस जितना भी हम छोटे लेवल पर आएंगे तो बाय चांस डेविएशन की संभावनाएं बढ़ती हैं तो इसी तरह से आप देख पाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन नहीं नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन यस ये सही आपका आंसर होगा छोटी पॉपुलेशन होनी चाहिए और आइसोलेटेड होनी चाहिए कि आइसोलेटेड तो फंक्शनली एक ही पॉपुलेशन के जैसा बिहेव करेंगी और वो लार्ज हो जाएगी वो स्मॉल फिर कंसीडर नहीं हो पाएगी तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को आइए इसके साथ साथ आपको लेते हैं अगला क्वेश्चन इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन

ये जो थ्री पार्ट होते हैं इस इक्वेशन के तीनों तीनों ही पार्ट में क्या होता है तो आप देखेंगे ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी है जी तो आप कहेंगे दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स और इसकी बात करेंगे तो ये है आप ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ हिटरोजाइगस इंडिविजुअल्स और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसकी बात करेंगी तो ये है आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को तो ये थ्री पार्ट हैं इसके तो आप देख लीजिए कि हार्डी यूनिवर्क समीकरण में विषम जीवधारियों की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है तो आप कहेंगे इससे होता है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट आराम से बहुत आसान सा सवाल था ठीक है ना नेक्स्ट इसके बाद में आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग होता है टाइम पीरियड मीन होता है टाइम पीरियड तो क्रोनोलॉजिकल टाइम का अर्थ होगा टाइम पीरियड से कहां से फ्रॉम द अर्ली स्टार्ट से रिसेंट की ओर तो आप देखेंगे जो सही सीक्वेंस था वो क्या था वो था रामापिथेकस या हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो ये था ड्रायोपिथेकस था फिर इसके बाद में रामापिथेकस था देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस था और इसके बाद में आप ध्यान दें होमो हैबिलिस था और इसके बाद में होमो इरेक्टस था फिर इसके बाद में ध्यान दें इसके बाद नियंडरथल और होमो सेपियंस था नियंडरथल एंड होमो सेपियंस ये था तो इस क्रोनोलॉजिकल ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है देखेंगे कि ये हमको कहां पर मिल रहा है तो आप देखेंगे रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब तक सही है होमो ये है ये भी सही है। होमो ये भी सही सही है है इरेक्टस तो यहां हमारे पास, पास सही है ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ जाएगा अदर ऑप्शन गलत कहां पर हो रहे हैं रामापिथेकस होमोहाबिलिस है यहां तक सही है लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब नहीं आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पहले आना चाहिए था ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमोहाबिलिस यहां तक सही है लेकिन रामाफिथिकस यहां नहीं इसके ऑस्ट्रेलो से पहले आना था इसी के साथ साथ आप देखेंगे पहले आएगा तो इस तरह से आप देख पाते हैं इन चीजों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी के साथ साथ यहां पर आप देखें अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ध्यान दे ओरिजिन ऑफ लाइफ में सही सीक्वेंस क्या है और यकीन मानिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपली uh, हम लोग बात करते हैं कि जो सीक्वेंस था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी या अकॉर्डिंग टू ओपेरिन थियरी क्या सीक्वेंस था तो ये था आप ध्यान देंगे कि एटम्स मॉलिक्यूल्स और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसके बाद में क्या आ, इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मोनोमर्स एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और इसके बाद में था आप ध्यान दें प्रोटोबाय अर्थात को एसरवेट्स या माइक्रोस्फियर की बात कर लें इस तरह से और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसके बाद ध्यान दें डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम या हम इसको कह सकते हैं कि इसे हम ऐसे दिखा देंगे कि को एसरवेट्स प्लस डीएनए अर्थात जब इन को प्रोटोबायोट के भीतर डीएनए आ गया डीएनए बन गया तब जा करके वही डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम के रूप में काम करने लगा तो इस तरह से आप इस चीज को यहां पर कंसीडर कर पाएंगे अब इतना जानने के बाद में हमारे पास देखिए सही ऑप्शन हमको हमको मिलता कहां है यहां देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोट तो ये तो बहुत बात की चीज है आगे देखें सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स जी हाँ इसको हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर ले सकते हैं अपने फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर तो देखिए कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर पॉलीमर क्या हो जाएगा मोनोमर के बाद आ जाएगा चलिए इसको हम लोग दूसरे ऑप्शन में यहां पर कंसीडर कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप देखेंगे अब दो ऑप्शन और हैं फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स तो मैंने पहले बताया आपको कि पहले आएगा प्रोटोबायोन्स तो आप लेंगे इसको ये हो जाएगा आपके लिए थर्ड ऑप्शन और यहां पर आप देख पाएंगे ये जो लास्ट है ये क्या हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन के रूप में ये आ जाएगा तो सही सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा ध्यान दें ये टू वन यहां पर आ रहा है तो पहले इसको लेंगे टू फिर इसके बाद में लेंगे थ्री फिर इसके बाद में लेंगे वन एंड फोर अब देखिए कि टू थ्री वन फोर का ऑप्शन हमें कहा मिल रहा है तो आप देखिए टू थ्री वन फोर यहां पर सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है आपके सामने अर्थात सबसे पहले आया वो जो टू नंबर पर है कौन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स देन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोट एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये सीक्वेंस था किस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ के सीक्वेंस में तो आप देखिए इसके बाद की बात करते हैं हम लोग यहां पर बोगेनविलिया हाँ, में thorn और कुकुरबिटा में ये बहुत एग्जांपल है evolution का और ये एग्जांपल दिया जाता है होमोलॉगस ऑर्गन के लिए क्यों क्योंकि बोगेनविलिया के जो थॉर्न होते हैं सिंपली हम लोग बात करेंगे कि बोगेनविलिया का जो थॉर्न होता है वो थॉर्न लीव की जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स की आप ध्यान दीजिएगा लीव्स की एक्सेल पोजीशन से यहां यहां से अराइज करता है और इसको कंसीडर किया जाता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, क्या है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि क्या है ये एडवेटनिशियस रूट नहीं

एडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है ठीक है तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं आगे अगला सवाल आपके सामने ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑप्टेन काउज एल्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स ध्यान आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू ऑपटेन काउज एल्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ देखिए अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया क्रित्रिम क्या दर्शाता है? ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं कि जनरली देखिए कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं आजकल कौन सी काउज का किस तरह की गायों का पालन करना चाहते हैं तो जवाब यही है कि ऐसी गायें जिनमें मिल्क कैपेसिटी अर्थात मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता अधिक होती है तो अधिक मिल्क प्रोड्यूस क्षमता और दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा यूरेज मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी और तीसरा हो जाएगा लो लो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी तो ये तीनों बातें हो जाएंगी तो अधिक की ओर अर्थात एक स्पेसिफिक एक्सट्रीम कैरेक्टर वैल्यू का सिलेक्शन किया जा रहा है और जब किसी एक अधिमानी लक्षण का वर्ण किया जाता है तब होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन तो यहां पर आप देख पाएंगे डायरेक्शनल एज इट पुशेज द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन तो जी हाँ यही आपका सही जवाब हो जाएगा जबकि यहां पर किसी और में डायरेक्शनल नहीं दिया हुआ है तो हम इसके साथ जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा यहां पर आप देखेंगे अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन जी हाँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग देखेंगे बैट मैन एंड चीता मैन तो ये हो, हो गया एनालॉगस क्यों क्योंकि ऑक्टोपस और इनकी आई इन दोनों की तो होमोलॉगस है लेकिन इसकी क्या हो गया एनालॉगस हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता ये होमोलॉगस हो जाएगा और इसके बाद फोर लिम ऑफ मैन बैट एंड चीता ये भी होमोलॉगस हो जाएगा तो आप देखिए होमोलॉगस से होमोलॉगस किस इवोल्यूशन से होता है तो आप कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए गलत क्या हो गया फिर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यही आपका ऑप्शन होगा सही आंसर के रूप में तो ये सेकेंड हो जाएगा देन इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे नेक्स्ट हम लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले सवाल में देखिए द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स

स्ट्रक्चर फोलिंग ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर होमोलॉजी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोसेस पूछता तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये पूछते या एडाप्टिव रेडिएशन कहते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिब्रिज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज ह्यूगो डिब्रिज ने ये बताया कि इवोल्यूशन होता है साल्टेशन के थ्रू या एक और उसी का नाम है क्या उत्परिवर्तन या म्यूटेशन तो इसमें आप देख पाएंगे अब ये कैसी होती तो यहां पर देखिए ऑप्शन में आपके सामने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में सेकेंड पर दिया हुआ है इस चीज को आप देख लेंगे साल्टेशन तो ये साल्टेशन कैसे हो सकते हैं माइनर या मेजर जनरली मेजर चेंजेस कहे जाते हैं बट माइनर भी हो सकते हैं कुछ केसेस में फिर इसके बाद में आगे, आगे आप देख पाएंगे नेक्स्ट कंडीशन की बात हम लोग कहें तो इसमें देखें क्या कंडीशन होगी ए जीन लोकस हैज टू एलील्स ए एंड स्मॉल ए तो आप ध्यान देंगे कि एक जीन लोकस है मान लीजिए कोई क्रोमोजोम है यहाँ पर और क्रोमोजोम पर यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक पर्टिकुलर लोकस है जहाँ पर एक तरफ स्मॉल ए एक तरफ कैपिटल ए है दूसरी तरफ स्मॉल ए है तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनट एलील कैपिटल ए ज जीरो पॉइंट फोर जी हाँ डोमिनेंट एलील के लिए हम बात करेंगे ये है जीरो पॉइंट फोर अर्थात कितना फोर्टी परसेंट इस तरह से और इसके बाद में देन वाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलॉगस डोमिनंट होमोलॉगस डोमिनंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो सिंपली आप देख सकते हैं कि होमोलॉगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी यहां पर आप देख लेंगे इसको निकालने के लिए तो P की वैल्यू आपको दिया हुआ है और P की वैल्यू अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स हो जाएगी अब सवाल उठता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल हिट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी अर्थात पी स्क्वायर ये हो जाएगा कितना जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन सिक्स ये हो जाएगा और इसी के साथ साथ आप देखेंगे क्यू की बात करेंगे अर्थात होमोजाइगस रिसेसिव की नहीं हेट्रोजाइगस पहले पूछा है तो टू पी क्यू की बात करेंगे तो टू पी क्यू हो जाएगा जीरो पॉइंट नहीं यहां मैं ले लेता हूं टू पी क्यू हो जाएगा कितना जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो इंटू टू ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और इसी के साथ अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो क्यू स्क्वायर अर्थात यहां पर देखेंगे हेट्रोजाइगस रिसेसिव तो इसका हो जाएगा कितना जीरो पॉइंट सिक्स into 0.6 is equal to 0.30 और uh, 0.36 ये हो जाएगा तो 36 परसेंट तो अब देखेंगे ये हमें कहा मिल रहा है 1648 एंड पॉइंट थ्री तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिब्रीज आर जी हाँगो डिब्रिज ने जिन वेरिएशन की बात की म्यूटेशन के थ्रू या असलेशन के थ्रू वो कैसी होती हैं स्मॉल एंड डायरेक्शन स्मॉल एंड डायरेक्शनल ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ये म्यूटेशन हमेशा डायरेक्शन होता है तो यहां पर देखेंगे स्मॉल एंड डायरेक्शन हो सकता है लेकिन आगे ध्यान ध्यान दें रैंडम एंड डायरेक्शनल डायरेक्शनल होगा नहीं रैंडम एंड डायरेक्शनल डायरेक्शनलेस तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके सामने ये आ जाएगा रेंडम होगा और डायरेक्शन लेस होगा तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये यहां पर म्यूटेशन थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं और यहां पर देखेंगे मैच द इंडिविजुअल्स विद करेक्ट ब्रेन साइज जी हाँ इनकी ब्रेन साइज हमें पता होनी चाहिए और उसको हम मैच कर लेंगे तो देखिए एक ही बात करेंगे होमोहेबलिस इसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था यह हो जाएगा तो होमो हैबिलिस के लिए हमें मिल जाता है देखिए यह थर्ड से मैचिंग हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन से एक मिनट ये नहीं ये थर्ड ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन से इसका मैचिंग हो जाएगा होमो नियंडरथेलेंसिस होमोनिये एनसीआरटी में नियंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी दिया हुआ है तो यह हो जाएगी 1400 सीसी तो ये आ जाएगा फोर्थ से मैच कर जाएगा और होमो इरेक्टस एनसीआरटी से ही लिया गया डेटा है 900 सीसी हो जाएगा और ये है फर्स्ट ऑप्शन पर और होमो सेपियंस 1350 टू 1450 मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा नियंडरथल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होता है तो ये थर्टीन की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा ये अब थ्री फोर वन टू देखिए ये सीक्वेंस हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है थ्री फोर वन टू ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपके सामने है और यही सही जवाब होगा आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा और ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का तो इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेज फ्रॉम टू टू फाइव के जी जी हाँ जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है टू टू फाइव के जी है अब ये नॉर्मल रेंज है फिर इसके बाद में आप देखेंगे 90% परसेंट ऑफ न्यूबॉर्न विद एन यूवरेज वेट बिटवीन 3 टू 3.3 पॉइंट जी हां हाँ आप ध्यान देंगे 97% परसेंट सरवाइव कर रहे हैं किस रेंज में तो आप कहेंगे यहां पर देखेंगे 3 के से लेकर के 3.3 टू थ्री पॉइंट थ्री के जी वाले इन्फेंट्स इतना सर्वाइव कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम कंडीशन देखें कि जो टू 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 पॉइंट फाइव वाले हैं वो क्या कर रहे हैं वो 99 नाइन परसेंट डाई कर जा रहे हैं अर्थात केवल वन परसेंट सर्वाइवल है किसका टू 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 पॉइंट टू पॉइंट फाइव के जी वाले इंडिविजुअल्स का और इसी तरह से आप देखेंगे जो अपर बॉडी वेट वाले हैं तो यहां पर आप देखेंगे उनका भी सर्वाइवल ठीक ऐसा ही है वन परसेंट केवल सर्वाइव कर पा रहे हैं कौन फोर पॉइंट फाइव से लेकर के फाइव के जी वाले इन्फेंट्स तो जरा देखिए कि मैक्सिमम सर्वाइवल पॉपुलेशन में किस तरह के इंडिविजुअल्स का हो रहा है तो आप कहेंगे द बॉडी वेट वो इन्फेंट जो एवरेज बॉडी वेट के साथ जन्म लेते हैं वो 97 परसेंट मामलों में सही तरह से सरवाइव कर जाते हैं जबकि अधिक बॉडी वेट और कम बॉडी वेट वाले इंडिविजुअल्स के डेथ की संभावना अधिक होती है अर्थात यहां पर कौन सा नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो मीन कैरेक्टर वैल्यू का सिलेक्शन हो रहा है इसका अर्थ है कि स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन हो रहा है तो स्थायी कारक चयन हो जाएगा तो आप देखेंगे डिसरप्टिव नहीं साइक्लिक साइक्लिकल सिलेक्शन नहीं डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन यस यही आपका सही आंसर हो जाएगा कारक चयन होगा और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब किसी एक परिधीय लक्षण या एक पेरिफेरल कैरेक्टर या एक अधिमानी लक्षण का चयन हो तब दिशात्मक या डायरेक्शनल होगा जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ये था स्टूडेंट्स इवोल्यूशन से रिलेटेड 2013 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन और जो कि नीट में आए हुए थे और इनको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया उम्मीद है कि आप लोगों ने कई चीज़ें यहाँ पर सीखा होगा कई चीज़ों को रिवाइज किया होगा तो ठीक है लगभग एक घंटे के आसपास हम लोग एक दूसरे के साथ बने रहे हमारे वीडियो को आप पसंद ज़रूर आया होगा कहने की बात ही नहीं तो आप सेलेक्ट करिए इसको आ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल पाए ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय सी